हेलो एवरीवन, सो फाइनली मेरी कुछ महीनों की सेविंग्स कंप्लीट हो चुकी है। मैं पिछले 6 महीने से प्लान कर रहा था अपने लिए एक डीजी आई स्पार्क लेने के लिए, एंड फाइनली आज वो दिन आ चुका है जब मैं अपनी सेविंग्स खर्च करने वाला हूँ और उसके बदले आने वाला है मेरा ड्रीम टॉय, मेरा ड्रीम गैजेट, मेरा खिलौना, मेरा हथियार, कुछ भी बोल सकते हो उसे, डीजी आई स्पार्क। क्या होता है ना गाइस, कई बार हम घूमने जाते हैं और ट्रैवल करते हैं और कई बार ऐसे व्यूज आते हैं जो हम अपने फोन या अपने DSLR या अपने एक्शन कैमरा से रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें कई बार DJI Spark जैसा खिलौना जरूरी बन जाता है। तो यस, आज मैं जा रहा हूँ अपने लिए वही खिलौना लेने के लिए। मैं सारी बात कर चुका हूँ डीलर से, कितने का मेरे को मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, सील्ड भी पैकिंग मिल रही है या अनसील्ड मिल रहा है, सारा कुछ सब बातें हो चुकी है मेरी। तो चलो गाइस, मेरे साथ चलते हैं ड्रोन लेने के लिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में ही आपको ड्रोन फुटेजेस देखने को मिलने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बारिश कुछ ज़्यादा ही तेज थी तो सीन ऐसा है कि मैं निकल चुका हूँ घर से और बारिश तो बहुत तेज, बट चाहे कुछ भी हो लेना आज ही है क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, 4-5 दिन हो गए हैं, रोज सोच रहा हूँ जाऊँ 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 पर टाइम ही नहीं मिल पाता। आज टाइम मिल पाया तो आज इतनी तेज बारिश हो गई, अभी तो बारिश नहीं है। A few moments later. तो गाइस बारिश स्टार्ट हो गई है फिर दोबारा से और मेरा इस समय जो कैमरा है वो वाटरप्रूफ भी नहीं है क्योंकि मैंने एक्सटर्नल माइक लगा रखा है ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मुझे कैमरा अपनी पॉकेट में रखना पड़ेगा और ठीक है, देन आई विल सी यू डायरेक्टली इन कुच्चा चौधरी मार्केट। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं इस समय कुच्चा चौधरी मार्केट और अंकुर का कोई आता पता ही नहीं आ गया और मैं 15-20 मिनट से वेट कर रहा था यार यहाँ पर, अरे यार बताया क्यों नहीं। और ये है दा स्पिरिटेड बाइकर। तो हम कुच्चा चौधरी मार्केट में आ चुके हैं गाइस और मैं आपको बात बता दूं, ये जो मार्केट आप मेरे पीछे देख रहे हो ये बहुत बड़ी कैमरा की मार्केट है। यहाँ पर आपको सारी एक्सेसरीज कैमरा से रिलेटेड जो भी है सारा कुछ मिल जाएगा, चाहे आपको कैमरा लेना है, DSLR लेना है, फोन लेना है, GoPro लेना है। और आपको दिख रहा होगा ये गली जा रही है और ये है कुच्चा चौधरी मार्केट और अब हमें जहाँ जाना है वो है कपूर फोटोज। तो चलो कपूर फोटोज के पास चलते हैं और वहाँ से क्या उठा दें। मेरा ड्रीम मेरे हाथ में आ चुका है, DJI Spark। और कितने का लिया है, क्या लिया है, कहाँ से लिया है ये मैं आपको घर जाके बताऊंगा। पहले इसको हम अनबॉक्स कर लेते हैं और इसकी पूरी टेस्टिंग कर लेते हैं क्योंकि एक बार इसको टेस्ट करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि एकदम सील्ड पैक है, कहीं से भी आप देखोगे ओपन नहीं है, पूरा सील्ड पैक मिला है। और मोस्टली आपको क्या होता है मार्केट में, आप कहीं पर भी जाओगे आपको सील्ड पैक नहीं मिलेगा, तभी मैंने ये शॉप प्रेफर किया क्योंकि यहाँ पर मुझे सील्ड पैक मिल रहा था पूरा। तो गाइस ड्रोन हमने ले लिया है और अब हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर के ऊपर जहां से हमने परचेज किया है, वहां पर ये थोड़ा सा हमें खोल के टेस्ट करके दिखाने वाले हैं और पता नहीं अभी फ्लाई भी करवा के दिखाएंगे नहीं करवाएंगे वो भी अभी हम देखते हैं। और बाकी पूरा चेक करके जब भी लेना तो चेक करके लेना, तो हम अभी सील ओपन यहीं करवाएंगे, सारा इसका एक्टिवेट होगा ये और इसका हम जितना भी हो सके अभी यहीं से ही थोड़ा सा जितना हो सके सीख के जाएंगे सो दैट घर में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो गाइज अब हो रहा है हमारा अपडेट DJI ड्रोन, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया, पहले फिलहाल तो अभी चार्जिंग करेंगे से। अच्छा फिर इसके बाद पहले अपडेट होगा, ठीक है पहले एक्टिवेट होगा फिर अपडेट होगा। और इसको कितना टाइम लगेगा करने में, चार्जिंग में लगेगा 15-20 मिनट। अच्छा ठीक है, और अपडेट में, अपडेट में 15-20 मिनट। तो गाइज हम चार्जिंग और अपडेट करेंगे और भैया अभी एक बार फ्लाई करके भी दिखाओगे, हाँ फ्लाई और फ्लाई भी करके दिखाएंगे। सो गाइज एक छोटा सा अपडेट, मेरा ड्रोन देख के इसको भी मन कर गया कि हाँ लेना चाहिए और इसने भी अमाउंट अभी नहीं बताऊंगा और इसने भी ये ड्रोन ले लिया है DJI Spark और इसने भी खर्चा कर लिया। एक्चुअली इसका प्लान था काफी दिन से, इसको लेना था बट आज फाइनली इसने भी ड्रोन ले लिया है। और मैं छोटा सा अपडेट दे दूं आपको कि ये जाने वाला है 30-35 डेज के लिए लद्दाख, सचपास पूरी राइड, हिमालय संस्कार भी पूरा सर्किट करने वाला है, तो इसको ड्रोन की जरूरत थी।
और मुझे भी जरूरत थी, वो क्यों थी वो मैं आपको फिर आगे बताऊंगा। नहीं बताइए बताइए, नहीं नहीं बाद में बताऊंगा, नहीं बाद में। तो मेरा तो कैलिब्रेट हो रहा है इधर पूरा, और अभी फ्लाई करके हम दिखाने वाले हैं, और अंकुर ने भी ले लिया है, और अंकुर इसकी अनबॉक्सिंग कर देगा अपने चैनल के ऊपर। तो अंकुर का भी लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं और अनबॉक्सिंग वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी अब हम ऊपर चलते हैं और इसको उड़ाते हैं। सो मेरे सारे अरमानों पे पानी फिर गया। आई मीन टू से कल बारिश आ गई थी तो मैं ये ड्रोन नहीं उड़ा पाया। तो अभी मैं आया हूँ एक छोटा सा खाली सा, यहाँ पर ग्राउंड है बिल्कुल खाली है ये वाला। अब मैं खुद ही उड़ा के देखने वाला हूँ कैसे उड़ेगा ये, क्या है खुद ही। और मैंने इसके ऊपर प्रोपेलर्स पूरे सेट कर दिए हैं क्योंकि फर्स्ट टाइमर्स के लिए प्रोपेलर्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो बिगिनर्स मोड पे अभी मैंने इसको रखा हुआ है, 30 मीटर इसकी हाइट रखी है खाली, इससे ज्यादा मैं अभी हाइट नहीं रखने वाला क्योंकि फर्स्ट टाइम है। तो चलो एक काम करते हैं, ड्रोन उड़ाते हैं और आपको थोड़ी सी ड्रोन की फुटेज दिखाते हैं। गाइस आई होप आपको फुटेज अच्छी लगी होगी जितनी भी मैं कैप्चर कर पाया फर्स्ट टाइम के हिसाब से। और ये मैंने परचेज करा है दिल्ली से, ओल्ड दिल्ली ऑफलाइन परचेज किया है। ऑनलाइन जो इसकी कॉस्टिंग है अराउंड 55,000 के अराउंड पड़ती है, और कुचा चौधरी मार्केट ओल्ड दिल्ली में ये मेरे को मिला है 38,000 रुपीज का, और कंट्रोलर के साथ 38,000 रुपीज का मिला है मुझे। एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट डील आई कैन गेट। और मैं आपको शॉप का एड्रेस पूरा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कहाँ से मैंने परचेज किया, विद नंबर दे दूंगा आपको। फिर भी मैं आपको बता दूं शॉप का नाम है कपूर फोटोज, कुचा चौधरी में मार्केट है, वहां पर जाके आप ले सकते हो इस ड्रोन को। बट एक छोटी सी और बात बोलूंगा, जाने से पहले आप जरूर एक बार कॉल कर लेना क्योंकि अवेलेबिलिटी की बहुत कमी होती है वहां पर। मैं पिछले एक महीने से इसे ट्रैक कर रहा था कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा, तो फाइनली जब मुझे मिला तब कभी 42,000 था, कभी 40,000 था, कभी 39,000। एंड लकीली उन्होंने उस दिन मुझे 39,000 बोला था, 1,000 बार्गेन स्किल से इसको मैंने 38,000 में परचेज कर लिया। तो अब आपको आगे आने वाले वीडियोस में बहुत अच्छी अच्छी फुटेज देखने को मिलेगी। और आपको कोई भी क्वेरीज हैं, कुछ भी आप जानना चाहते हो इससे रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ये मेरा हैंडल आ रहा होगा नीचे। कोई भी आपको क्वेरीज है आप वहां पर भी मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो चलो गाइस आपको बहुत जल्दी ड्रोन फुटेजेस के साथ नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। Till then, ride hard, ride safe. This is me, Dream Chaser, signing off. Bye bye.